क्या आपने कभी एक ही गाड़ी पर दो अलग अलग नंबर प्लेट देखे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस गाड़ी को देखिए, इसमें आपको दो अलग अलग राज्य के नंबर दिखाई देंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा, जरूर ये गाड़ी किसी चोर या बदमाश की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये गाड़ी सरकारी है और इस गाड़ी से चलती है बिहार की एक बीडीओ साहिबा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, ये सहरसा के सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी नेहा कुमारी की गाड़ी है। अब देखिए, मैडम जी ने अपनी गाड़ी पर बड़े ही शान से बोर्ड भी लगवाया हुआ है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। बस नंबर प्लेट ने ही सारा मामला गड़बड़ कर दिया, क्योंकि गाड़ी के आगे बिहार तो पीछे यूपी का नंबर प्लेट लगा हुआ है। मामला प्रखंड स्तर के शीर्ष पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सोशल मीडिया पर भी वीडियो साहिबा की गाड़ी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोगों के बीच ये चर्चा है कि आखिर प्रखंड स्तर की एक शीर्ष पदाधिकारी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो इसके जवाब में वीडियो साहिबा दलील देती हुई कहती है कि ये गाड़ी यूपी में सेकेंड हैंड खरीदी गई थी, इसलिए गाड़ी के आगे पीछे यूपी का नंबर प्लेट लगा हुआ था, जिसके बाद परिवहन विभाग के द्वारा बिहार का नंबर लिया गया। कार्यालय परिसर में गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाया जा रहा था, आगे का नंबर प्लेट लगवा दिया गया और पीछे लगवाने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसी बीच किसी ने वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन आगे नया नंबर प्लेट लगाया गया है। ड्राइवर की गलती के कारण पीछे का नंबर प्लेट नहीं बदला जा सका था, उसे भी बदलवा दिया जाएगा। बता दें कि मामला सुर्खियों में आने के बाद वीडियो साहिबा ने पीछे का नंबर प्लेट खुलवा दिया। हालांकि मैडम की इस लापरवाही पर अब क्या एक्शन होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन सवाल ये कि अगर किसी आम जनता से ऐसी भूल हो जाती तो क्या उसे यूं छोड़ दिया जाता? अगर नहीं तो फिर वीडियो साहिबा नेहा कुमारी की इस गलती को किस बुनियाद पर नजरअंदाज किया जा सकता है?